नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिशुनपुरा दबंगों ने उजाड़ा गरीब का आशियाना, अशर की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के लाल चौक निवासी रमेश पाल के द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर अपने मकान को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त करने को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया है। थाने को दिए गए आवेदन में रमेश पाल ने आरोप लगाया है कि तुलसी पाल मुंशी पाल एवं संकुति देवी हरिहर पाल ग्राम सुखदावामर थाना कांडी तथा प्रभा देवी राजेश पाल ग्राम जोगा थाना उटारी जसोदा देवी उदयपाल ग्राम बनका थाना मेराल कमला देवी पति वीरा पाल ग्राम पतिहरिया सोना देवी पति बिरजू पाल ग्राम डबरिया थाना कांडी जीरा देवी पति मनीष पाल ग्राम बर्डिया भारती देवी पति मनोज पाल ग्राम रतनगढ़ थाना कांडी निवासी उक्त सभी के द्वारा मेरे छप्पर के मकान को पूरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही घर में लगे दरवाजे को क्षतिग्रस्त करते हुए घर के पूरी सामग्री को गाली गलौज करते हुए बाहर फेंक दिया गया। पीड़ित रमेश पाल एवं उनकी पत्नी जिबासा देवी ने न्याय की गुहार लगाई है। पूछे जाने पर पत्रकारों से थाना प्रभारी राम अवतार राम ने कहा कि आवेदन के आलोक में जांच की जा रही है, बहुत जल्द दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? रमेश पाल। रमेश पाल। मकान? बिशुनपुरा। बिशुनपुरा जी। तो जी, आपके साथ में आपके जो घर का ये क्षतिग्रस्त कर दिया गया है तोड़फोड़, तो ये कैसे हुआ, पूरा मामला बताइए। ये मामला ऐसा है कि मैं ससुरारी में रहते हूँ जी, दोनाली पाल के दामाद हैं जी, जो कि हमको 2005 में लाए थे। उसको कागज मेरे पास मौजूद है। जो औरत मेरी थी उसका शादी ब्याह नहीं हो रहा था, उस वक्त पर हुआ था कि हम आपको ला के रखेंगे और जगह जमीन लिखेंगे, यही सब बात हुआ था। तो उतना दिन हमारे साढ़ू सड़ुआन कोई नहीं आता था, मर गए के बाद 2018 में ये सब घटना उन लोग कर रहा है जी। तीसरा बार घटना हो गया ऐसा ऐसा। तो आपके मकान को क्षतिग्रस्त किस दिन किया? 6 तारीख को। 6 तारीख को। उसमें कौन कौन थे? सब उसमें हमारे साढ़ू लोग थे, बहन लोग। उनका नाम बताइए। वीरा कमला देवी। हाँ, बोल ले जा बहन। कस के बोलो। सकुंती देवी। और सोना देवी। हाँ, भरती देवी। और जसोदा देवी। जीरा देवी। पारभा देवी। मतलब यही लोग आपके मकान को क्षतिग्रस्त किया? हाँ जी। तो इसमें कहीं आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में दिए हैं। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई हो रहा है ना? हाँ। और इसमें और कुछ कहना चाहेंगे पुलिस अधीक्षक से? पूरा यह कहेंगे कि हमारा जो क्षति हुआ है जी, उन लोग से हमको भाई जैसा था वैसा हमारा करवा दें। चलिए ठीक। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ग्रीन लाइन न्यूज।